हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। इस समय बज रहे हैं सुबह के 9:01 और बट मैं 9 बजे नहीं उठी। ऑब्वियसली मैं उठ गई थी 4:45 बजे बिकॉज यू नो दैट नेचुरल अलार्म ये है ना। और अभी मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं टेस्ट देने जा रही हूँ एक, सो मैं आप तीन घंटों तक आई एम गोइंग टू बी बिजी टेस्ट देने आज, क्योंकि आज मंडे है। सो आज थोड़ा रिलैक्स है मॉर्निंग टाइम में। हालांकि एक मीटिंग है जिसका भी डाउट है कि वो होगी कि नहीं, तो देखते हैं। अगर हुई तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा और क्या। और आई मैनेज नो वरीज। सो मैं टेस्ट दे देती हूँ और आने वाले कुछ दिन काफ़ी हक्टिक होने वाले हैं और इसकी वजह से मैं व्लॉग भी मैं परसों अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मैं काफ़ी बिजी हो गई थी ये स्टडीज़ और इसमें, बिकॉज़ अब इट्स हाई टाइम, लाइक एक डेढ़ हफ्ते के अंदर सब एक हफ्ते के अंदर, डेढ़ हफ्ता नहीं, एक हफ्ते के अंदर सब सेंटर सेटल हो जाएगा, जो होना होगा हो जाएगा। उसके बाद मिलते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहती। इतनी सारी चीज़ें हैं लाइफ में, मतलब ऑफिस का काम है, फिर उसमें पढ़ाई भी करनी है, बाकी चीज़ें भी हैं, फ्यूचर मतलब फ्यूचर इन द सेंस कि फ्यूचर का कुछ काम है जो भी मैं अभी प्लान कर रही हूँ, है ना। तो मैं ब्लैंक हो जाती हूँ कुछ बोलते बोलते, मतलब ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है। और ऐसा तभी होता है जब मैं ऐसे बस रिलैक्स होकर बात कर रही हूँ ना, तो मैं ब्लैंक होती हूँ। अगर मैं मीटिंग में कहीं पर भी फोकस्ड हूँ, बिल्कुल किसी काम में इन्वॉल्व हूँ, मैं कभी ब्लैंक नहीं हो सकती। मैं चार काम एक साथ कर सकती हूँ, मैनेज रहता है। बट प्रॉब्लम ये कि जब मैं कुछ सेल्फ थॉट करना शुरू करती हूँ, तो वो थॉट वो नेक्स्ट लेवल चला जाता है और सब गायब हो जाता है, क्या बोल रही थी। तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा ये साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनीवेज, सो अभी चलो पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं। 9 से 12 बजे तक मेरा काम हो जाएगा, फिर फ्रेशन अप होके बाकी के काम करूँगी दिन के। और आज कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करनी है। चलो मिलते हैं, अगर वो कर पाई तो दिखाऊँगी, नहीं कर पाई तो आप भूल जाना मैंने कुछ कहा था। ओके, चलो मिलते हैं फिर दिन में। मुँह करो और खाओ और खाओ और खाओ, गरम गरम चिपक गया मुंह में। मज़ा आया। ये देखो, ये आलू के कचालू खा रहा है और मुंह में चिपका लिए, बस मुंह बाबा पंखे के नीचे। और थोड़ा खाना चाहिए था। बस जा पानी पी लो। और थोड़ा गया, हाँ तो सही में ही चिपकता है, झूठ में थोड़ी चिपकता है। कहाँ चिपका था, ऊपर या नीचे तलवे में? ऊपर और नीचे दोनों है ना, यहाँ अंदर चिपक जाता है। ये एक यहाँ चिपका था, एक यहाँ पे ऊपर बीच में चिपका था। और कहो गरम गरम, इन्हें इतनी तेज भूख लगी है कि कढ़ाई से उतरते हुए ही खा लिया है और चिपक गया मुँह में। आराम से ब्रेक मार के थोड़ा सा जी बाहर मार खाओगे भी बार। वो बाथरूम खराब हो गया था तो आए थे, वो ठीक आए हैं ठीक करने के लिए। पाइप से पानी नहीं जा रहा, तो ये मैडम जो है, ये गंदी बच्ची जो है, बार बार निकल के बाहर ही जाने की कोशिश कर रही है, इतनी गंदी हो चुकी है। चुपचाप बैठती नहीं, देखो इन्हें कहाँ, किसी तरह तो मैंने बैठाया हुआ है। चुपचाप ये मैडम शांति से रहे, बाहर दरवाज़ा खुला हुआ है क्योंकि साफ सफाई कर रहे हैं वो, और ये मैडम निकल पड़ रही है बाहर, नहीं जाना है। देखो हाय बोलो, हाय ओले ओले ओ, भागी भागी भागी। घर की नाली जो है, ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक हो गया था है ना, तो वो चल तो गया किसी तरह, लेकिन फिर से ब्लॉक हो गया। तो अभी वो आए हुए हैं बनाने के लिए, चलो देखते क्या हो रहा है। ओए कितना बड़ा है मम्मी, इतना बड़ा नहीं लेता, ऐसे अंदर चैम्बर, यहाँ है चैम्बर। हाय यहाँ का वो कहाँ गया सारा, देखो यहाँ से तिरछा पूरा पौधा खराब हो गया। कौन बता रहा है, यहाँ कहीं ये बताता भी है। चंबक कहाँ है भाई, दूसरा कहाँ है, अभी मुझे पता चले कहाँ, कैसे पता चला कि यहाँ पे भी चैम्बर है। फट्टी बताइए, फट्टी बोलती है आपकी। अरे भैया आराम से, पापा सुबह आएंगे, अभी देखेंगे शाम को कि उनका खेत उजड़ गया है। पौधा उखड़ा है क्या मम्मी यहाँ से, पौधा भी उखाड़ना पड़ा है। हाय कितनी गंदी स्मेल आ रही थी, मम्मी नहीं मिर्चा नहीं, मिर्चा का पेड़ सुंदर है। यहाँ बताया,
गेट खुला है, चाहे गाय वाय कुछ भी घुसे है। बताओ जी कहाँ कहाँ चैम्बर बना हुआ है, कुछ पता ही नहीं हमें। आज ये फाइनली बन जाता तो समझो बहुत बड़ा काम हो गया। यहाँ पे देखो ये पौधा, ये हमारा खेत जुड़ गया, ये पौधा वौधा सब यहाँ पे उखड़ना पड़ गया। मैंने कैसे दो ही तीन पौधे उखड़े, उधर भी उखड़ रहा है। जो किनारे पौधे लगे थे हमें क्या पता कहाँ चैम्बर है। पापा ने खूब सारे पौधे लगाए हैं लेकिन सब चैम्बर नंबर 5-6 खुल गया। तो बस कहीं टाइल्स या मार्बल के अंदर ना हो। यार देखो डायरेक्ट पाइप डाल दिया है, वहाँ नाला भी नहीं किया कि जो पानी जाए जाए पाइप में जाए, नहीं तो कचरा बना। टेम्पररी काम किया है, दो किया भाई अंदर पूरा गया है। कितना लंबा है ये, यहाँ यही जाम हुआ था। यहाँ से इधर से इधर कम हो गया, वहाँ से आया ऐसे इधर से चल गया। चला मोटर चला तो पानी निकले भी, मोटर ऑन कर तो बस पाइप लगी है। मोटर भी ऑन करना पड़ेगा, मोटर से क्या होगा। अरे भाई पानी आएगा मोटर से, अपने आप पे पानी कैसे आएगा। मोटर से तो टंकी में पानी जाएगा। चल गया, लाइट चली गई और आंधी देखो कितनी तगड़ी आ रही है, बारिश। मम्मी अभी से मानसून आ गया क्या। मानसून का तो टाइम 20 जून के बाद है। देखो आंधी कितनी तेज है। कैसे पानी चला दूं, मतलब कुल मिला के बात ये कि पानी गिराना है तो ताकि पानी नाली में आए। बहुत भाई मेहनत कर रहा हूँ। खिड़की बंद करो, दरवाजे बंद करो, भूचाल आ गया है। अरे बंद करो, बड़ा हमड़ूम हो रहा है सब। आई कितनी गंदी, ये क्या है। माओ लाइट गई। भागो आंधी आई है, आंधी आई। हाय छी कितनी धूल भरी आंधी आई। मम्मी भागो, मेरे कमरे में धूल ही धूल भर गई होगी। जल्दी भागो, जल्दी भागो, जल्दी भागो। चलो भागो, बंद करो बंद करो बंद करो। हाय राम मेरा रूम, हाय 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 हाय, मिट्टी मिट्टी चारों तरफ, मिट्टी मिट्टी, यही प्रॉब्लम है। चलो तो कांच बंद है, इधर कांच, इधर का कांच ही बंद नहीं होगा। मम्मी यहाँ तो बांध दी पता नहीं क्या। अब देखो ये रूम की हालत, इतनी तेज भाई ओला पड़ रहा है। मम्मी पत्थर नहीं गिरा, अभी नहीं गिरा है, गिरेगा। जल्दी गिरता तो मजा आता। तुम कहाँ गए थे, कहाँ बार बात कर रहे हो। इसी में तुम्हें जाना था वहाँ। अब फ्रेंड क्या तो माओ भी बारिश का मजा ले रही है। माओ चोना बारिश हो रही है, मजा आ रहा है। भीगी बिल्ली बनना, भीगी बिल्ली बाहर छोड़ दो हैं, बाहर छोड़ दो, भीगी बिल्ली बनना है। ओले आजा जा 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 जा। ये देखो हमारी बहादुर बिल्ली जो है मक्खी पकड़ रही है। नजारा देखो मक्खी कैसे पकड़ी जा रही है, इतने प्लान करके मक्खी पकड़ी जा रही है। ये कल से मक्खी पकड़ी जा रही है, मक्खी इनके हाथ में आ रही है।